हमारे यहाँ पे ना माना जाता है कि जिनकी जो आईब्रोज है ना वो मिलती है ना तो वो काफी धनवान होता है। तो ना बचपन होते ना हम लोग यहाँ पे स्केच पेन लगाते होते थे कि कुछ हो ना हो ऐसे ही पैसा मिल जाए। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज है 1st of March। ये हमेशा से एक ऐसा महीना रहा है जब सब स्कूल जाने वालों को डर लगता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स होते हैं इस महीने में। मेरे मुंह से धुआं भी अगर दिख रहा होगा तो पता चलेगा कि ठंड है, लेकिन फिर भी इतनी ठंड नहीं है। सोच रहे हैं कि कहीं निकलते हैं आज बाहर, अच्छी धूप है। अगर कोई यहाँ बाहर आके में बैठ जाए ना तो आई थिंक उसकी नींद उड़ सकती है। A few moments later. This just brightens your day. I think the sun just brightens your day, literally. मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आप ऐसी जगह पे जहाँ जो लोग रहते हैं जहाँ पे रोज़ सूरज निकलता है वो बहुत लकी है। पिछले 3 महीने से कोई हेयर पार्लर नहीं खुला है, कोई हेयर ड्रेसर नहीं खुला है, कहीं शॉपिंग नहीं करने गए हैं, बस घर पे पोलर बियर के जैसे बैठ गए हैं, खा रहे हैं। तो खाने में भी बाजरे और कॉर्न के आटे का बना पराठा मिल रहा है, एंड दैट्स द एग। ये ऐसे ही होता है शुरू कि आप एक्सरसाइज करना शुरू करो तभी आप फूड हैबिट्स भी चेंज कर सकते हो। अगर आप एक चीज पे फोकस करोगे तो वो बहुत मुश्किल होता है करना। आप जिस दिन एक्सरसाइज करते हो उस दिन आपको खुद मोटिवेशन आ जाती है कि अरे यार मैंने तो कुछ किया है, तो फिर खाना कम खाओ। क्यों, डू यू एग्री? नाश्ते मारते हैं क्या आज? धूप में विटामिन डी भी लेंगे नाश्ते में। एंड यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यूरोप में सनलाइट जो है एकदम आंखों पे पड़ती है, सीधे आंखों पे डायरेक्ट। तो यार आप जैसे गाड़ी चला रहे हो जैसे ऐसे स्ट्रेट, तो आप देखना कि जो सनलाइट है वो इट्स मोर लाइक ऑन योर आईज टोटली। तो सनग्लासेस पहन के चलाना इज बहुत इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट यहाँ के सनी वेदर में। अभी एक एग्जिट मिस हो गया, गलती हो गई, अब उसकी वजह से थोड़ा घूम के जाना पड़ रहा है। अगर आप एग्जिट वगैरह पे ध्यान ना दो तो इट्स लाइक राउंड रॉबिन, आपको घूम घूम के जाना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या किया हमने, हम सुपरमार्केट आए हैं यहाँ आल्डी, और उसके अंदर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। जनरली 2 घंटे की अलाउड होती है, बट यहाँ पर ऐसा सच लिखा नहीं हुआ है कि कितने घंटे पार्क करने की, और ये फ्री है। ये वाला सही है, पिज्जा मार्गरिटा। हाँ, ये पिज्जा क्लासिको। तो नहीं, मैं मार्गरिटा लूंगा। बस एक ही। हाँ। Einen Moment bitte. तो गाड़ी पार्क करके हम लोग निकल गए हैं अभी, और जो रास्ता है वो कुछ है 700 meters का, अराउंड 1 kilometer का घूम। 850 meters का है। 850 meters का है भाई, हम इधर उधर अप्रोक्सीमेशन में बोलते हैं, लेकिन ये जो है ये थोड़े फैक्ट ओरिएंटेड लोग हैं। एक चीज मैं बोल दूं, जर्मन्स एग्जैक्ट नंबर्स की बात करता है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि आज का वेदर तो 20 से 25 के बीच में रहेगा, तो वो 20 से 25 मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे या तो 22 बोलो, या तो 23 बोलो, या तो 24 बोलो। 5 नंबर आते हैं 20 से 25 के बीच में, एक चूज करना पड़ेगा, इतने स्पेसिफिक होते हैं। तो आदत सी पड़ गई इनसे बात करते करते कि खुद भी हाँ नहीं डिस्टेंस इतना है 850 meters का है। अगर 850 का 900 बोल दोगे ना तो वो तुम्हें तभी टोक देंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो डिस्टेंस वो खुद भी वॉक कर रहे हो उस टाइम पे। पिकनिक मनाने आ गए हैं, पर इस बार बस चेंज ये है कि इसमें दाल चावल नहीं है, एंड नेक्स्ट है संतरे। ये क्या डेजर्ट है क्या? हाँ ये डेजर्ट है। ये डेजर्ट है। तो ये सैंडविच को बीच से आधा करूँ या इससे आधा करूँ? आई थिंक सेंटर से ही इजी रहेगा करना। देखो दिन में 4 बार तो सुन ही लेते हो मोन तुम। अब सुनाने की आदत है तुमको तो हम क्या करें भाई, बताओ। इतना सीधा पति मिला है तुमको। चलो बाय बाय, टाटा, रख दो, बंद कर दो एक बार, टाटा। पहले प्लान ये था कि नितिका मेरे साथ आएगी, बट उसको फिर मन नहीं किया, और हम आज दौड़ने जाने वाले थे, बट अभी क्या है कि कल ही हम दौड़ के आए हैं, और हुआ ये कि बॉडी में सारा पेन शुरू हो गया। दैट इज़ वेरी स्वीट पेन, यू कैन से सो। तो अब क्या है कि उस पेन को जाने में
तभी जाएगा, एक दो दिन में ही जाएगा, बट हम एक दो दिन लगाएंगे नहीं, हम आज का दिन रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आज अगर दौड़ने लग गए फिर से दोबारा तो वो पेन बहुत एग्रेवेट कर सकता है, और मेरे एक पिक्यूलर जगह पे पेन होने लगी है, तो दैट इज़ वेरी अनकॉमन, तो उसका वेट करो मैं आज का दिन रिलैक्स दे के। बट फिर भी मैंने सोचा कि जो सैलून है वहाँ तक मैं पैदल ही जाऊँ, एंड बिकॉज वो डिस्टेंस भी काफ़ी है, 3 किलोमीटर और सो, तो 3 किलोमीटर मैं चल के अभी सैलून जा रहा हूँ, वापस भी 3 किलोमीटर चल के ही आना है। चल के मतलब यूबान भी ले सकता हूँ, पर मैं लूँगा नहीं, मेरे को चलना ज़्यादा पसंद है। और कॉलेज में ये होता था कि 3-3 किलोमीटर चलना होता था, गाँव होती थी, कोई बस नहीं होता था, तो बस मिस हो गई तो 3 किलोमीटर चल के जाओ, और साइकिल वाइकिल होती तो साइकिल चला के जाना पड़ता था। साइकिल यहाँ पर भी पड़ी है, पर साइकिल इतना निकालता नहीं हूँ मैं, साइकिल तो मैं ब्लॉक के नहीं निकालूँगा। पर टेक्निकली लड़कों के बाल काटने में इतना टाइम लगता नहीं है, अगर कि मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में तो बहुत टाइम लगता है, मसाज, चम्पी, फिर इधर उधर की बातें, बहुत मज़ेदार वाला टाइम बीतता है, और फिर लास्ट में वो लोग ऐसा मिंट वाला क्रीम लगा देते हैं जिसको लगाने के बाद आदमी एकदम चमक जाता है। मेरे शादी के टाइम पर भी एक ऐसे ही पार्लर वाले को मैंने ढूंढा था जयपुर में, और उसने ऐसा चम्पी का गोरा लगने लगा, मैं और मेरा दोस्त दोनों, ऐसा लगा कि हम दोनों की शादी हो रही है, बट मेरी थी वैसे तो। तो मोइनाक ने 1-3 महीने बाद अपने बाल कटवाए हैं, तो और वो मेरे सामने आ रहे हैं, पता नहीं वो मुझे देख पाएंगे, पहचान पाएंगे कि नहीं, पर यस ही इज हेयर विद हिज न्यू हेयर कट, बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे। एक रुको, तुम्हारे फ्रंट कैमरा ऑन करती हूं, यहां पे छूना मत, कट जाएगा हाथ। ऐसे काटे हैं, अरे वाह, लड़का एकदम सुंदर हो गया है। बट एक यूनिक एक्सपीरियंस मुझे उसमें हुआ, यूनिक एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस मुझे इंडिया में हुआ है, शायद आप भी रिलेट कर सके इस चीज से। क्या होता है कि जैसे मान लो सैलून में 4-5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और सैलून में काटने वाले 2 हेयर ड्रेसर्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आधी जनता जो रेगुलरली कटवाती है वहां पे, तो उनको आइडिया होता है कि कौन सा हेयर ड्रेसर सही काटता है, और वो बंदे के लिए बाकी सब वेट करेंगे जब तक कि उसके पास जो बंदा कटवा रहा है वो निकल ना जाए कटवा के अपना काम करा के, तो तब तक वेट करेंगे, और दूसरे वाले बंदे को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उसको कुछ काटना आता ही नहीं है। मैं इतनी डिस्क्रिपेंसी क्यों, इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों, एट द एंड ऑफ द डे कटवाने बाल ही है, ठीक है, बाल कटवा के तो हम कोई ऋतिक रोशन नहीं बनने वाले या कुछ बनने वाले हो नहीं, ठीक है, पर फिर भी एक होता है कि अरे नहीं, इसके हाथ से कटवाऊंगा तो ये होगा, इसके हाथ का खाऊंगा तो यही अच्छा होगा, भाई दूसरे वाले को करने का मौका तो दो। ये बात है जो, because the other person is also learning ना, मतलब वो उसका भी एक phase चल रहा है। Of course, यार कोई ना कोई तो beginner होता ही है, आप कोडिंग करो, आप रास्ता बनाओ, आप बिल्डिंग खड़ा करो, कोई ना कोई तो बिगिनर होता है, उसको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। और ठंड थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है सुबह को, वरना बालकनी में बैठ भी नहीं पाते, पहले तो ऐसा होता था कि बेड से भी निकल नहीं पाते थे, अब कम से कम लिविंग रूम से आते आते कम से कम बालकनी में तो आ ही जाते हैं, और धूप आने लग गई है बालकनी में, तो मेरा जो लाउंज है ये वाला, इसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने लगेगा। ये देखो तुम्हारे आईब्रो में कितना बड़ा बाल है, ये इतना बड़ा कहाँ पे निकला, तुम्हारी आईब्रो में बाल है, बहुत बड़ा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं कैमरे पे, कितना साइज कितना है बताना, इतना साइज है, लालू बनते जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, सही में बोल रही हूँ, एक बार छाव में हो, छाव में हो, तेजस्वी यादव नाम रखना चाहिए। वो क्रूर सिंह की देखी आईब्रोज होती थी, क्रूर सिंह की आईब्रोज कैसे होती थी, ऐसे पूरी मिली होती थी उसके, इतने इसके भी इतने बड़े बड़े बाल होते थे तुम्हारे। हमारे यहाँ पे ना माना जाता है कि जिनकी जो आईब्रोज है ना वो मिलती है ना तो वो काफी धनवान होता है, तो ना बचपन होते ना हम लोग यहाँ पे स्केच पेन लगाते होते अभी कुछ हो ना हो ऐसे ही पैसा मिल जाए, मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, ये दोनों मिल जाए किसी तरह, बस अपना लाइफ सेट है। नहीं और पैसा किस लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए, धनवान होंगे पागल है, आइसक्रीम खा के आइसक्रीम की ब्रिक लाएंगे फिर तो। अभी बना देते हैं तुम्हारे है? फिर अपन दो आइसक्रीम की फिर अपन दो आइसक्रीम की ब्रेक लेंगे। आज सेकंड डे है रनिंग का इन द ईयर ऑफ 2021, एंड निकल पड़े हैं फिर से और इस हेयर कट के साथ, और देखते हैं कि हमारा जो पहले रन से जितना दर्द था वो कितना रहता है इस टाइम पे। बहुत दर्द हुआ एक्चुअली।
2 किलोमीटर के बाद जग घूमया, 3 किलोमीटर के बाद मैं घूमया। अब ये देख रहे हैं ये पूरा वे, इसको पूरा एंड तक ले जाएंगे, फिर वहां से वापस आएंगे, तो वहां पे जाके एकदम आगे जाके मिलते हैं।